नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। हाल ही में होंडा टू व्हीलर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए पेटेंट को फाइल किया है इंडिया में। इस स्कूटर में हमें दो बैटरीज देखने को मिलेंगी। इस मैक्सी स्टाइल इलेक्ट्रिक स्कूटर को डिजाइन किया गया है जिसमें नॉर्मल फोर्क्स और रेयर में डुअल शॉक्स है। ये डिजाइन होंडा PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर के जैसी ही दिखती है जो ऑटो एक्सपो 2018 में कॉन्सेप्ट फॉर्म में दिखाया गया था, लेकिन 2020 में होंडा ने कंफर्म किया था कि वो PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगी। वे चाइना से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेंगे और उसे इंडियन रोड्स पर टेस्ट करेंगे और इस स्कूटर के परफॉर्मेंस के ऊपर ही वो लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को डेवलप करेंगे इंडियन मार्केट के लिए। लेकिन लॉकडाउन के बाद चीजें बदल गई हैं और शायद होंडा PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर टेक्नोलॉजी को भारत में आने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर में इस्तेमाल करने वाली है। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, अगर हम PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखें तो ये एक 4.2 किलोवाट AC मोटर से काम करती है। दोनों ही बैटरीज के बीच में स्पेस है और इसमें स्वैपेबल बैटरी ऑप्शन भी दिया गया है। इसकी एक बैटरी का वजन 10 kg है जो 41 किलोमीटर की रेंज देता है। इन बैटरीज को ऑनबोर्ड चार्जर की मदद से चार्ज किया जा सकता है या इसे निकाल के भी चार्ज किया जा सकता है इनके चार्जर्स की मदद से। ऑनबोर्ड चार्जिंग से इसे 6 घंटे लगते हैं चार्ज करने के लिए और डायरेक्ट चार्जिंग से 4 घंटे लगते हैं। होंडा PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को जापान मार्केट में 2019 से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लीज ओनली मॉडल्स पर। होंडा इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को इंडिया में तभी लॉन्च करेंगी जब इंडिया में प्रॉपर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस सेटअप होंगी। इन सभी फैक्ट्स को देखने से हमें पता चलता है कि होंडा अपनी PCX इलेक्ट्रिक स्कूटर के रेंज को इम्प्रूव करेंगी और शायद इसे भारत में 2022 में लॉन्च करेंगी या इसे दूसरे देशों में बेच सकती है और इंडिया में बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके आएंगी। इस स्कूटर में इस्तेमाल किए गए टेक्नोलॉजी और रिसोर्स बहुत महंगे हैं। अगर ये मास प्रोडक्शन में भी जाएंगे इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये शायद ही इसकी कीमत कन्वेंशनल बायर्स को पसंद आएंगी। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।